सदियों से इंडियन हिस्ट्री को एरियन सेंट्रिक नजरिए से देखा जाता रहा है। ये कहानी इंडो एरियन माइग्रेंट्स के कंट्रीब्यूशंस पर जोर देती थी और अक्सर इंडिजिनस कल्चर्स की रिच टेपेस्ट्री को नजरअंदाज कर देती थी। आज इस हिस्टोरिकल इम्बैलेंस को सुधारने के लिए एक ग्रोइंग मूवमेंट चल रहा है जो इंडिया के पास्ट को शेप करने में ट्राइबल सिविलाइजेशंस के सिग्निफिकेंट रोल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बदलाव एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव्स को चैलेंज करता है और इंडियन हिस्ट्री की मोर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज करता है। यह ट्राइबल कम्युनिटीज के कंट्रीब्यूशंस को पैसिव बाईस्टैंडर्स के रूप में नहीं बल्कि इंडिया के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में एक्टिव एजेंट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। ये पैराडाइम शिफ्ट इंडिया के पास्ट की मोर एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए एसेंशियल है। यह इंडिया के ओरिजिन्स की डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करता है और इसके वेरियस कम्युनिटीज की यूनिक आइडेंटिटीज को सेलिब्रेट करता है। डोमिनेंट एरियन नैरेटिव से आगे बढ़कर हम ट्राइबल हिस्ट्री की हिडन डेप्थ्स को अनकवर करना शुरू करते हैं और इंडियन सोसाइटी पर इसके लास्टिंग इन्फ्लुएंस को अप्रिशिएट करते हैं। झारखंड से छत्तीसगढ़ और उसके आगे पूरे इंडिया में ट्राइबल सोसाइटीज ने गवर्नेंस के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स डेवलप किए। ये सिस्टम्स अक्सर कॉन्सेंसस बिल्डिंग, रिसोर्सेज की कम्युनल ओनरशिप और नेचर के लिए डीप रिस्पेक्ट पर एम्फसाइज करते थे। ट्राइबल किंग्स प्रिमिटिव चीफ्टन्स होने से कोसों दूर केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उभरे। उन्होंने फ्लोरिशिंग किंगडम्स की देखरेख की, ट्रेड और डिप्लोमेसी में एंगेज हुए और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉस्टर किया। उदाहरण के लिए सेंट्रल इंडिया की गोंड किंगडम ने वास्ट टेरिटरीज पर राज किया और अपने पीछे इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स छोड़े। असम में अहोम डायनेस्टी के राजा, जो अपनी इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे, ने सदियों तक मुगल एक्सपेंशन का सफलतापूर्वक विरोध किया। ये एग्जाम्पल्स ट्राइबल रूलर्स की पॉलिटिकल एक्यूमेन और कल्चरल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं जो ट्राइबल सोसाइटीज को बैकवर्ड या अंडर डेवलप्ड बताने वाले स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल्स को डिफाई करते हैं। मेनस्ट्रीम हिंदुइज्म में ट्राइबल डीएटीज और कल्चरल प्रैक्टिसेस का इंटीग्रेशन इंडिया में कल्चरल बाउंड्रीज की फ्लूइडिटी का प्रमाण है। यह सिंक्रेटिज्म के प्रोसेस को शोकेस करता है जहां डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स ने इंटरैक्ट किया और एक दूसरे को एनरिच किया। मूल रूप से ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा पूजे जाने वाले कई डीटीज को हिंदू पैंथियन में शामिल किया गया। अक्सर उन्हें नए नाम और एट्रीब्यूट्स दिए गए। उदाहरण के लिए गॉडेस दुर्गा की वर्शिप की जड़ें ट्राइबल ट्रेडिशंस में मानी जाती हैं, जो फेमिनिन पावर और नेचर की फेरोसिटी को सेलिब्रेट करती थी। इसी तरह भगवान शिवा, जिन्हें अक्सर एक एसेटिक के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जंगलों और पहाड़ों से जुड़े ट्राइबल डीएटीज के साथ सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। हिंदुइज्म में ट्राइबल बिलीफ्स का यह इंटीग्रेशन इंडिया में रिलीजियस एवोल्यूशन के डायनामिक नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ट्राइबल कॉन्ट्रीब्यूशंस की हिस्टोरिकल निग्लेक्ट केवल एक ओवरसाइट नहीं है, यह सोशियो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, रिटन रिकॉर्ड्स और ग्रैंड नैरेटिव्स पर अपने एम्फेसिस के साथ अक्सर ट्राइबल सोसाइटीज को प्रिमिटिव और इनसिग्निफिकेंट बताकर डिसमिस कर देती थी। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के दौरान इस बायास को और रीइन्फोर्स किया गया क्योंकि नेशनल हिस्ट्री के नैरेटिव्स अक्सर डोमिनेंट ग्रुप्स के एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटाइज करते थे। ट्राइबल हिस्ट्री के मार्जिनलाइजेशन के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। इसने ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है, उन्हें नेशनल नैरेटिव में उनके राइटफुल प्लेस से वंचित किया है। प्रेजेंट डे इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा फेस किए गए हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को रिकॉग्नाइज करना क्रूशियल है। A tapestry untangled, tribal history or India's rich past. इंडिया के अतीत को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके सभी लोगों के contributions को acknowledge करना होगा, जिसमें इसके indigenous communities भी शामिल हैं।
ट्राइबल हिस्ट्री कोई अलग स्ट्रैंड नहीं है, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन के लार्जर टैपेस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये एंशंट ट्रेड रूट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस और रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के एवोल्यूशन की हमारी समझ को एनरिच करता है। नागा ट्राइब्स की वाइब्रेंट टेक्सटाइल ट्रेडिशंस से लेकर बास्टर रीजन के इंट्रिकेट मेटल वर्क तक ट्राइबल कम्युनिटीज ने इंडिया के आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज में लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। लोकल इकोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मेडिसिनल प्लांट्स का उनका नॉलेज मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंस रखता है। रिक्लेमिंग द नैरेटिव, The ongoing quest for inclusion scholars, activists और खुद tribal communities के members द्वारा lead किए जा रहे tribal history को reclaim और rewrite करने के लिए एक growing movement है। इसमें dominant historical narratives को challenge करना, new research conduct करना और oral histories और local knowledge systems को incorporate करना शामिल है। यूनिवर्सिटीज ट्राइबल स्टडीज पर कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही हैं, म्यूजियम्स ट्राइबल आर्ट और आर्टिफैक्ट्स शोकेस कर रहे हैं और फिल्म मेकर्स ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो ट्राइबल पर्सपेक्टिव्स पर सेंटर हैं। ट्राइबल हिस्ट्री में इंटरेस्ट का यह रिसर्जेंस एक ब्रॉडर सोसाइटल शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है जो डाइवर्सिटी को इट्स ऑल फॉर्म्स में रिकॉग्नाइज और वैल्यू करता है। अनअर्थिंग द पास्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और ट्राइबल हिस्ट्री। यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स को चैलेंज करने और ट्राइबल कल्चर्स की एंटिक्विटी और सोफिस्टिकेशन पर प्रकाश डालने में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। पूरे इंडिया में खुदाई से एंशंट सेटलमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड मेटल वर्किंग टेक्निक्स और यूनिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के एविडेंस मिले हैं जो एरियंस के आने से पहले के हैं। उदाहरण के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ एक प्रिमिटिव इंडिया के नोशन को चैलेंज करती है जो एक्सटर्नल सोर्सेज से सिविलाइजेशन का इंतजार कर रहा था। इसी तरह ट्राइबल कल्चर्स से जुड़े साइट्स जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका पर खुदाई से हजारों साल पुराने रॉक आर्ट की एक रिच टेपेस्ट्री का पता चला है। Beyond the written word, oral traditions or tribal narratives, tribal societies, जिनके पास अक्सर formal written languages की कमी होती है, ने अपने history और cultural memory को rich oral traditions के माध्यम से preserve किया है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां, गीत और rituals, उनके world view, social structures और historical experiences में अमूल्य insights प्रदान करते हैं। पास्ट की मोर न्यूअंस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए इन ओरल हिस्ट्रीज के सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करना क्रूशल है। वे रिटन अकाउंट्स को अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं, अक्सर डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को चैलेंज करते हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की एजेंसी और रेजिलियंस को हाईलाइट करते हैं। द एंड्यूरिंग लेगेसी, ट्राइबल इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया पर ट्राइबल कल्चर्स का इन्फ्लुएंस प्रोफाउंड और मल्टीफैसेटेड है। लैंग्वेज और क्विजीन से लेकर म्यूजिक और डांस तक ट्राइबल हेरिटेज के एलिमेंट्स इंडियन सोसाइटी के फैब्रिक में बुने हुए हैं। इंडियन कल्चर की हाइब्रिडिटी और सिंक्रेटिक नेचर को समझने के लिए इस इन्फ्लुएंस को रिकग्नाइज करना एसेंशियल है। ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स जैसे वॉली पेंटिंग और गोंड आर्ट ने इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल की है जो इन कम्युनिटीज की एस्थेटिक ब्रिलियंस और यूनिक पर्सपेक्टिव्स को शोकेस करती है। इसके अलावा ट्राइबल राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल पूरे इंडिया में सोशल जस्टिस मूवमेंट्स को इंस्पायर करता रहता है। ए कॉल फॉर रिकॉग्निशन टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में ट्राइबल नैरेटिव्स को रिकॉग्नाइज करने की दिशा में शिफ्ट केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह सोशल जस्टिस और इंक्लूसिविटी के लिए एक कॉल है। ट्राइबल कम्युनिटीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्ट्रगल्स और रेजिलियंस को एक्नॉलेज करके हम अपने शेयर्ड पास्ट की मोर एक्यूरेट और एक्विटेबल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ते हैं। यह रिकॉग्निशन हिस्ट्री को रीराइट करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करने और इंडिया के डिवर्स हेरिटेज की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करने के बारे में है। यह पास्ट के इनजस्टिसेस को एक्नॉलेज करने और एक ऐसे फ्यूचर की दिशा में काम करने के बारे में है जहां सभी वॉइसेस को सुना और वैल्यू किया जाए।